So, if you don't know what happens in a nail art studio, or you don't know how to get your nails done, this video is for you. Hi, guys! Welcome and welcome back to my channel. Vaishnavi here, and yes, welcome back to my channel. So, again, in today's video, I am getting my nails done. Yes, I am getting my nails hu, And I thought ki why not like, in this? Video. Let's get ahead into the video without wasting any further time. So, firstly, the first step is dry manicure. Basically, whenever uh, you go to nail art studio, any nail art studio.

ग्लू से लगता है एंड uh, अच्छे से फिट और लूज ना हो इसके लिए आपके नेल्स को भी फाइल करते हैं प्रॉपरली सो so दैट अगेन अगर रफ़ है नेल्स तो ग्लू लगाने में तकलीफ़ होती है सो बिकॉज ऑफ़ दैट वो अच्छे से नेल्स को फाइल कर लेते हैं टू क्रिएट दैट सॉफ्ट बेस नेल्स के लिए एंड उसके ऊपर दे अप्लाई द ग्लू ऑल्सो दिस प्रोसेस इज़ सो सूदिन टू बी वेरी ऑनस्ट एंड देन अगेन आपके जो नेल्स होते हैं ना वो uh, नाखून लाइक like, एक्सटेंशंस लगाने के अंदर भी ग्रो करते हैं सो इट्स इम्पोर्टेंट कि उनको अच्छे से शेप करें मतलब जब भी आप निकालते हो ना एक्सटेंशंस तभी भी वो अच्छे से ग्रो होते हैं जो ओरिजिनल नीड्स होते हैं वो सो बेसिकली दिस इज दैट स्टेप के लिए ये प्रोसेस होता है एंड दैट्स दैट द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ टू अप्लाइंग दोज एक्सटेंशन यू कैन सी स्टेकिंग इट एंड ट्रस्ट मी ये बहुत uh, मतलब यू नो दिस दिस नेल आर्ट इज़ सो सूदिंग है मेरे को बहुत पसंद रहता है लाइक like, ये नेल आर्ट वगैरह करना टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड लुक एट दोज नील्स तो अभी दिस इज़ आलमंड शेप यू कैन गेट योर नील्स विथ लाइक स्क्वायर शेप ऑलमंड शेप राउंड शेप देर आर मेनी शेप्स सो बेसिकली मैंने ऑलमंड लिया था बट वी वेरी ऑनेस्ट ना मतलब कैसा होता है आई एम ए काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको राउंड पसंद है पर राउंड बहुत छोटा हो जाता है इसके लिए आई प्रिफर गेटिंग माई नील्स डन इन आलमंड एंड यूल सी आगे कि कैसे उसको शेप करते हैं सो दैट इट क्रिएट्स दैट यू नो राउंड शेप नाउ लाइक दिस ये फाइल करते हैं सो दैट एक अच्छा अलग शेप मिले यू कैन चूज शेप एज पर यूर प्रेफरेंस बट बेसिकली आलमंड एंड यू कैन सी राउंड बहुत ट्रेंडी भी है सो आई ऑलवेज गो फॉर राउंड और आलमंड लाइक टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक बहुत बार नीलाट करवाया है और मैंने आज तक अभी uh, स्क्वायर वगैरह नहीं किया है सो दैट्स दैट एंड अच्छे से शेप करने के बाद लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस दिस शेप इट एंड अगेन बहुत अच्छा दिखता है आलमंड गो फॉर आलमंड एनी टाइम बट आई ऑल्सो लाइक राउंड शेप अगेन अच्छे से फाइल करना पड़ता है सो दैट प्रॉपर शेप आए ऐसा नहीं है कि एक आलमंड है एंड एक स्क्वायर uh, है तो अच्छा नहीं दिखता तो बेसिकली मैंने क्या करवाया मैंने आलमंड में करवाया था तो वो बहुत uh, ट्राइंगल में था लाइक एट द टॉप बहुत पॉइंटेड था इसके लिए आई टोल्ड हर टू कट इट अ बिट एंड देन शेप देने के लिए सो अच्छे से राउंड होता है एंड आई पर्सनली लाइक सच नील्स एंड डोंट डोंट मिस द एंड पार्ट बिकॉज यू कैन डेफिनेटली सी हाउ अमेजिंग द नील आर्ट टर्नड आउट एंड यस एंड दिस थिंक ऑफ चूजिंग द प्रॉपर डिजाइन फॉर नील आर्ट आई यू नो मेरे से होता नहीं मैं लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज रहती है कि कौन सा डिज़ाइन करवा के लूँ बट दिस टाइम आई चूज अ ब्यूटिफुल नील आर डिज़ाइन यूल सी एट दी एंड सो बेसिकली मुझे ऐसे ही पसंद आ रहे थे सो आई वॉज लाइक कि मैं ऐसे ही जाऊँ क्या बट नो आफ्टर दिस यू आर लाइक आपको टॉप कोट अप्लाई करवाया जाता है लाइक ट्रांसपेरेंट टॉप कोट आई कैन से एंड ये प्रोसेस रहती है लाइक यू नो आप जब भी फाइल करते हो नील्स को तो थोड़ा रफ भी हो जाता है इसके वजह से फर्स्टली वो टॉप कोट अप्लाई करते हैं यू नो सो दैट टू क्रिएट दैट सॉफ्ट बेस इसके ऊपर नेल पिंट अपलाई किया जाता है एंड दैट्स दैट अभी ये सूखने के लिए uh, आपको मशीन के अंदर रखना पड़ता है एंड लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट मी इफ आई वॉज अ नील आर्टिस्ट ऐसी सिचुएशन नहीं होती टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड देन अगेन यू हैव टू टॉप इट विद लाइक टू टाइम्स सो दैट जो कलर ऊपर बैठे वो अच्छे से बैठे एंड फ्लॉलेस फ्लॉलेस लाइक like, uh, ऐसा खड़बड़ी ना हो इफ यू गेट मी इफ यू अप्लाई नील पेंट यू नो वॉट हैपन्स एंड देन यू जस्ट हैव टू कीप इट फॉर लाइक प्रॉपर वन मिनट से भी ज़्यादा लाइक सिक्सटी टू एटी सेकेंड्स एंड पूरे अच्छे से रखना रहता है एंड यू हैव टू कीप दो फिंगर्स इन साइड दिस मशीन थोड़ा बाहर भी नहीं रहना चाहिए नहीं तो सूखता है एंड देन द नेक्स पार्ट इज आई चूज इज ब्यूटिफुल रेड कल एंड अगेन आई विज एज अट में बहुत कन्फ्यूज थी मैं मैट में थी कन्फ्यूज और क्लॉस में थी बट देन आई Choose like matte and look at that color matte and a finger of nude. And this beautiful art that is hard design, it was amazing. You can clearly see, uh, through which they do this design by which, like, yes, and it is it looks so pretty, trust me. And that's that it was a process of about like uh, one and a half hour. फ्री तो टाइम like uh, निकाल के जाओ लाइक like, मिनट like, के लिए तो डेफिनेटली आपका टाइम जाएगा ही जाएगा इफ यू हैबाउट दिस प्रोसेस एंड ट्रस्ट में बहुत पेशेंस लगता है नील आर्टिस्ट को भी एंड आपको भी वहाँ पे बैठे रहना रहता है एंड दिस लाइक जो आउटकम रहता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है ट्रस्ट मी यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी ऐसा दोनों हाथ आई वाज नॉट एबल टू इवन शूट आल्सो एंड मैंने नीचे कैमरा रख दिया था आई वाज लाइक कब बंद करूँ बट यू नो शूट करने के लिए बीट लाइक like, दोनों हाथ वर लाइक इन्वेस्टेड सो आफ्टर दैट दिस इज द थिंग विच शी अप्लाइड वॉज नील ऑयल इसके वजह से कैसा रहता है कि नील के आजू बाजू में जो uh, कलर लगा रहता है ना नील पेंट का वो भी अच्छे से रिमूव हो जाता है नाउ लुक एट दोज ब्यूटिफुल नील्स ट्रस्ट मी आई एम ऑप्सेट मैं तो बहुत ऑप्सेट हूँ आई लव दिस टाइम का नील आर्ट एंड दैट वॉज ऑल द प्रोसेस अबाउट नील आर्ट एंड अगेन एंड मे आई से गो टू सलून और स्टूडियो टू रिमूव योर नील आर्ट डोंट ट्राईट घर पे निकालने के लिए एक्सटेंशन रिमूव करने के लिए डेफिनेटली रिमूवल के लिए स्टूडियो में ही जाओ सो दैट वॉज ऑल अबाउट टू डेजियो आई होप की आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड यू कैन क्लियरली सेल आर्ट एंड एम सो हैपी सो येस दैट वॉज ऑल अबाउट टू डेजियो नाव गो एंड गेट योर नील स्टार्ट